दोस्तों नमस्कार, हमें जानिए और पहचानिए। इस बीमारिया गांव का माना हुआ जमींदार था, हमारा नाम राणा प्रताप सिंह है। और आप लोग प्यार से ये भी जानते हो कि हमारे कारनामे क्या है। गरीबों की मदद करना तो हमारी परंपरा है। कोई गरीब इंसान हमारे दरवाजे पे आता है, वो खाली हाथ वापस नहीं जाता है। लेकिन दोस्तों, हमारे में कमियां तीन हैं। अगर वो कमियां सुधर जाए तो हम अच्छे इंसान हो जाए। आप लोगों से बताना चाहता हूं कि हमारे में कौन सी कमी है। पहली कमी तो है, पहले और फिर दूसरी कमी क्या है, फिर और तीसरी कमी यह है, दौलत। माल भाना चाहिए, जमानत जो ना हमारे लिए खिलाफ, जमानत जो ना हमारे लिए खिलाफ हो, राणा प्रताप रास्ते वही तय करता जुटे रहो। कब नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से। लेकिन आप लोग देख रहे हो, हमारी लापरवाही का नतीजा देख रहे हो। हमारा मुंह लगा नौकर जिसका नाम रामलाल है, वो भी ससुरा का नाती दरवाजे पे नहीं है। अरे बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड, मालिक क्या तुमने आवाज दी थी? हमने आवाज दिया रामलाल भोसड़ी को, जी जी हम तुम्हारी। तेरी मैयत पिटू कम बक्त उल्लू के पट्टे साला, बना ससुराल ससुरा का कर हुआ घूम रहा है, इडियट बदतमीज ना सुन कहीं। मालिक तुम दो बार आवाज दिए तो हम दो चक्कर बोले जी जी। ये बार क्या है रे साला, बोला दुई बार आवाज दियो, बेकूफ कहीं के। इधर आ, देखो बेटा, इस वक्त हमारी मुंडी ठंडी है। ये पूछो किस लिए कि आगे चल के हमें कुछ कार्य करना है। अब हमारा दिल जमींदारी से भर चुका है, अपना कदम हम राजनीति की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। जमींदारी जो भरगा हो तो हम आज वहां सफाई कर्मी में नौकरी लिखाई लो। तेरी मैयत पीटू कम वक्त कहीं के, अब अपना कदम हम राजनीति की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। राजनीति की? हाँ, अब मैं एमपी का इलेक्शन लड़ने वाला हूँ, समझ गए? पंपी का? पंपी ने चौदह तुम्हारे थुथुन का हरामी हो भोसड़ी के पूरे। हम बता रहे हमें एमपी का इलेक्शन लड़ना है और तुम बता रहे हो पंपी का। इधर आओ। देखो बेटा, समय कम है जो कि हमें मीटिंग पे जाना है। का मैटे जाएगा है? तुम्हारी बुआ का कहा तो कोई मैटे जाएगा है उनका? मीटिंग नहीं जानता है? आहा? जब कभी हम मीटिंग पे जाते हैं तो काफी सभा लगती है, समझ गए? वहाँ भाषण दिया जाते हैं। इससे पहले हमारे छोटे भाई नाग सिंह को बोला। कहा बतायो? अब ऐसा ले कर हुआ हमारे छोट कन्ना का आवाज दे, फोन लगा। हाँ, फोन कह रहे हैं। फोन कह रहे हैं? ए फोन, फोन फोन लगा। आइठाओ आइठाओ। कहाँ थे रे? मालिक तो खून की है दे। ए फोन की है दे। तिरानवे तेरी एक साथ चौदह चौदह यू 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 लूनार क्या रहा? साले पहले कहना से इसे बोला जाता यूनिनार। और नंबर कौन सा डाल किया? तिरानवे तेरी एक साथ चौदह चौदह। तिरानवे तेरा एक साथ चौदह चौदह नंबर तो वह है। आवत है आप जिस
नंबर से संपर्क करना चाहते हैं उसकी सभी लेने व्यस्त हैं, कृपया करके नंबर को देर बाद डायल करें या कि लेन पर बने रहें। मालिक कहा थे जो नंबर संपर्क करना चाहते कि सभी लेने व्यस्त हैं। ओ हचा हच मारी। हाँ हाँ का है उका का का। अबे उसे बोला जाता हज वाला। हाँ हाज हाज चल लगा 99 35 11 12 36। हेलो टुन्नू 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 क्या है ये टुन्नू टुन्नू क्या साले गधे कहीं के मालिक नौ के बाद वो टुन्नू टुन्नू क्या है। अबे बेखूफ कहीं के उसे जीरो बोलते सुन कहते हैं। सुन्नी सुन्नी कहा सुन्नी सुन्नी कहा सुन्नी सुन्नी कहा चल लगा। हेलो हेलो हाँ अरे अम्मा नमस्ते। हाँ अरे कुछ जू चाह लगाए तो हम कहें लावतन खन करी बातचीत है। हाँ तनी बड़को के दो बड़को पाए लगी। हाँ ठीक है हाँ 6 महीना हो गए घर का नहीं पहुँचना है तो 8 दिन और बर्दाश्त कर तो रोजीना लाली लगाए क्या बैठा था उनके पैसा पड़ोसिन से ले लिया करो देखा सारी वही है। आए? 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 के बात बताओ 6 महीने से हम घर का नहीं पहुंचे तो बताओ 2 महीने कुछ है यो है। अच्छा पड़ोसी के मदद के चलो कोई बात नहीं। अच्छा रखे थे और ये अम्मा तुम्हें आओ तेरी मैया अरे चिड़ैया के चोते किससे बात कर रहा है ये है तुमने छटकन्ना दिल लाग गया घर का तो हम बोला तो ये अम्मा से बातें गई किसी से बोलता है नमस्ते अम्मा के और किसी से बोलता है पाए लागू मेहरुआ के चबे बहुत बड़ी वाले कहते हैं उल्लू के पट्टे। अम्मा से नमस्ते बोलता है औरतिया से बोलता है पाए लागू। मालिक हम अपनी मेहरुआ को मानित बहुत है वो हमारी स्त्री माता है हम उनके पति पुत्र चबे साले कल जुग है कहीं के चल छटकन्ना का नंबर डालकर तब ठीक। हेलो हाँ हम बोल रहे हैं हम ठाकुर साहब के आदमी बोल रहे हैं। साले हम तोरी औरत हैं मालिक हम जो उन्हें अंग ध्यान नहीं करी थे तो लोग कहे लागत हैं इनके सामने बात न की हो ये ठाकुर क्या आदमी आए। साला बोल रहा हम ठाकुर साहब के आदमी बोल रहे हैं इसका मतलब तोहरी नजरों में हम तोहरी औरत हैं और ये क्या है। मालिक बात चल रही है काल हो रही है पैसा कट रहे हैं मालिक ये मोहिका बैलू है 14 मोहिका बैलू है की इता है साला इतनी देर से बेवकूफ बना रहा है तो साला इता हमने से भतम जानी नहीं पहने चल इसे नीचे डाल दे बेवकूफ इका साले मरी गये 14 अपने माथ में लगा रहा है। मालिक हम तुम्हारे तुम्हारे पैर हमारे पैर तुम्हारे हमारे पैर तुम्हारे पैर साले इसे उधर फेंक दे। सामने देख बच्चे बैठे ये बच्चे बैठ पीछे का मरे बैठ तुम्हें साला लिए हाथ में इतना बेवकूफ बना रहा है इतनी देर से। अबे चल छोटकन्ना का फोन लगा। मालिक हेलो हाँ हम हवेली से बोल रहे हैं बात कुछ नहीं हुई तुम्हारे बड़े भाई साहब तुम्हें फुला रहे हैं। नहीं फुला नहीं रहे फुला नहीं रहे बुला रहे बुला रहे जल्दी से चले आओ यहाँ पर फोन किसने लगाया। अरे घर का गवाह और तुम कहाँ थे। हम कहूँ ना हम गेटे पर रहन अपना बहुत बड़ा नुकसान करके बेचारा चला गया काहे भागा फोन लगाया उसके फोन पर हम इतना खुश हो गए
कि उसे हम इनाम देना चाहते थे, परंतु इनाम नहीं लिया और घर को चला गया। मालिक तो उका इनाम हम बताई, उका इनाम हम कह दे दे और जब आई तो उका सधाई दे। नहीं, जिसने फोन लगाया उसको इनाम मिलेगा। मर्द इनाम का हो लेकिन हरामी बना साला यू ना हो, वो तो बहुत हो यू इके हमका मालूम देते है मोड़ में गंजे वो हिस्सा लेके ले। मालिक फोन तो हमें लगाया रहा। फोन तुम्ही ने लगाया तो ऊपर हाथ करो अपना इनाम लो। ऊपर करी, ऊपर हाथ करो अपना इनाम लो। मालिक ऊपर कैसे हम करी, हम सब दिन खा ले की हा? नहीं, आज ऊपर हाथ करो और अपना इनाम लो। बात करने का तरीका नहीं है और फोन लगा बैठते हो है? क्या रुके, ये क्या है? हमका मालूम दे दे जाकर हंटर में हम चिरिक मारे ना। चिरिक मारे हो, परेशान काहे हो भैया? 3 बजे रात तक तुम्हारे टट्टी होने लगेंगी। 3 बजे बोला किस लिए बुलाए हो? मालिक बड़े ठाकुर साहब तुमका बुलाए। भैया ने बुलाया है, साइड से लागो, हम भैया से बात करते हैं। भैया प्रणाम। भैया चुप, कहाँ घुस रहे हैं? हमने उसे आशीर्वाद दे रहे हैं खुश रहो और 14 तुम बता रहे हो खुश रहो। चाबे भैया और क्यों बोलूं, वाए भात हो कहो कौन सा। छोटकन्ना भैया हमारे बुलाने से तू काफी घबरा गया। भैया ये नहीं मालूम है कि हमारा नेचर क्या है, गरीबों की मदद करना तो हमारी परंपरा है। सच कहते हैं भैया, गरीब इंसान हमारे दरवाजे पे आता है वो खाली हाथ वापस नहीं जाता। सच कहते हो, लेकिन एक हराम ज्यादा गरीब ऐसा निकला है। कौन है भैया? बलवंत है। क्या बलवंत? 3,000 रुपए ले गया, 6 महीने बीत गए दरवाजा झांकने नहीं आया है। अब तुझे एक काम करना है। क्या करना है भैया बताऊं? अरे मुखिया बलवंत ले गया अरे मुखिया बलवंत ले लेगा। 6 महीने बीत गए, ससुरा का दरवाजा झांकने नहीं आया। अरे भैया अगर तो मुखिया बलवंत दरवाजा झांकने नहीं आया है तो सुनो मेरी बात, आपकी बात का कुछ उतर है नहीं। रहा उसके घर जा रहा।
रुपया देने से इनकार, अरे मुखिया करे आना वापस चले करना। छोटन्ना भैया, अगर जो बलवंत मुखिया पैसा देने से इनकार करता है तो मुझे इजाजत दो, उसको साले को मारते मारते वही खत्म कर देंगे। तेरे बोतल नहीं रे छोटन्ना, तू अभी नादान है। किसी गरीब की जायदाद हड़प करना है तो ससुराल से प्यार से बोलो पहले, समझ गए? मुखिया से थोड़ा अपना काम है। क्या काम है भैया? अब हमारा दिल जमींदारी से भर चुका है, अपना कदम हम राजनीति की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। क्या राजनीति की तरफ? हाँ, अब मैं एमपी का इलेक्शन लड़ने वाला हूँ और बलवंता के हाथ में 500 वोट है, अगर उसे धमकाओगे तो वो ससुरा का वोट नहीं देगा। सच कहा भैया आपने। हाँ। गरीबों के आगे रोटी का टुकड़ा डालकर अपना काम निकाल लेना चाहिए। तूने कहावत नहीं सुना है, दिखाओ रीत, दिखा रीत करो अनरी, इसी को कहते राज। सच कहा भैया। और समय कम है, जो कि हमें मीटिंग पे जाना है, और तुम्हारे साथ में उत्तर बुड़का जाएगा, उसे आवाज दे। दौर पर चल, आज भवरिया गांव को हमारे साथ तुम्हें चलना है। कन्ना के साथ तू जाएगा और उसे समझाएगा, समझ गए? और मैं जा रहा हूँ, मुझे मीटिंग पे जाना है, समय कम है। और ये इसका दिमाग गरम रहता है ये मालिक है? इसका दिमाग गरम रहा तो वो है लगन बिलाक्ष में बहुहाली गए। जरा हमारी नजरों की तरफ देखो। नहीं कली भैंसिया कहरा बिलाक ले जाओ, गरम रहा है। नहीं, इधर आओ, इधर आओ बेटा, बिलाक को ले जाओगे? क्यों, बिलाक को नहीं ले जाओ। अगर इसका दिमाग गरम हो जाता है, ये जब गरम होता है तो अपनी अम्मा त्रिचौदा ले जाओ। हरामी है, बहुत सारी हरामी, बेकूफ कहीं के, उसे गाय भैंस समझ रहा है, बोल रहा बिलाक को ले जाए, गर्मी शांत करा ला। जा छोटकन्ना, तू उसके साथ में जा। तुम जैसे आदमी हो तैसे तुम्हें खुराक मिलनी चाहिए। क्यों, आओ हमारे साथ भवरिया गांव की तरफ चलते हैं। भैया ने तो कहा है मुखिया बलवंत से प्यार से पैसा ले लेना और कुछ कहना मत। और हमको तुम जानते हो, हमारी आदत नहीं है अगर जो हम किसी से प्यार से बात करें। जाति असर हो तुम्हारा, वो जाति असर हो, कहे हमारी जात में क्या हो गया है। अगर सीध बात करे तो ठाकुर का है क्या? सच कहते हो, आओ मुखिया बलवंत की झोपड़ी आप पर चलते हैं। हर बार बहुत हैरानी है, बहुत गुस्सा यहाँ है, कम नहीं है, उसे बारे के उसे बड़ी कर। आइए अब खेल के मुताबिक जोशी सिंह की तरफ, यानी बलवंत मुखिया। है तो दोस्तों जानिए पहचानिए, मेरा नाम मुखिया बलवंत है, गांव खमरिया का रहने वाला हूँ। मेरे घर में मुझको मिलाकर के 3 लोग हैं, मेरी बेटी गंगा और मेरा बेटा मलखान। लेकिन इंसान को परमात्मा हर चीज दे लेकिन गरीबी ना दे। जिसके घर में बीमारी आ जाए, मुकदमा चल जाए और ठाकुरों से ब्याज पे पैसा ले आए, वो समझ लो मिट गया। भैया शोर कहे मचा रहे हो भैया, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले
जी आपकी तबीयत ठीक नहीं बेटी गंगा, और आप खेतों की तरफ चले आए। बेटी, इंसान जो पुरखा होता है और बच्चे होते हैं तो जब तक उसकी सांस रहती है तब तक उसके दिल को सबर नहीं आता है बैठे हुए। पिताजी ये बताओ आपकी तबीयत ठीक है या नहीं? शिखिल बेटी, बेटा मलखान कहाँ गया है? वो तो कहीं ना कहीं गए होंगे, आते होंगे। निकले उसकी शिकायत आई है स्कूल से, वो तीन दिन से बेटी स्कूल को नहीं गया है। क्या भैया की शिकायत? हाँ बेटी, ऐसा हो नहीं सकता कि मेरा भैया कोई शिकायत करे। ठीक है, वो सामने से भैया आ रहे हैं, मालूम कर लीजिए। खुश रहो बेटा। पिताजी के चरण में बेटा, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, लेकिन मेरी बात को सुनो। युग युग बेटा तू शिकायत पाया है, तुम तीन दिन से स्कूल को नहीं जा रहे। आपने मेरी शिकायत पाया है? हाँ बेटा, तो तीन दिन से न जाते हो स्कूल को। तीन दिन पढ़ाई की ना